मेयर मोहतरमा जो है हमारे महजबीन साहिबा जो है मेयर बीजापुर शहर की, बीजापुर की डेवलपमेंट की तरफ खास तवज्जो दें, और इसके साथ साथ मैं उस्तवारी सचिव मिनिस्टर को जो भी जो है एक इल्तिजा करता हूं कि वो भी बीजापुर की तरफ तवज्जो दें। और इससे बढ़कर कहूंगा तो मैं हमारे कर्नाटक के सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब से भी मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बीजापुर की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें। यूटीवी न्यूज़ के स्वागत है, नानो आशा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज बहुत ही खास वजह से जो है एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बीजापुर की टीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसका खास मकसद यह है कि बीजापुर के डेवलपमेंट के तल्लुक से हम कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर अवाम के सामने रूबरू हुए हैं। पहले तो मैं बीजापुर की अवाम को और पूरे कर्नाटका की अवाम को भी साथ ही साथ इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर जो है बारिश शुरू हुई है, जिसके लिए जो है हम लोग पिछले साल महरूम रह गए थे। तो इस बार अल्लाह का रहम व करम से जो है बीजापुर के अंदर या कर्नाटक के अंदर वक्त पर जो है बारिश का 7 जून को शुरुआत हुई है। लेकिन अफसोस के साथ बड़े कहना पड़ रहा है कि जैसे हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि बारिश का आना ये अल्लाह ताला की एक रहमत है जिसे हम मानते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है इस बीजापुर शहर के अंदर, ये रहमत जो है नौज बिल्ला बीजापुर शहर के लोगों के लिए, खासकर ओल्ड सिटी के लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बनते चले जा रहे। पहली बारिश जब 6 जून की रात में लगभग 2 घंटे की बारिश ने इस बीजापुर शहर को तालाब की शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर किया, क्योंकि जिस कदर बीजापुर के अंदर डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक जीरो वर्क ओल्ड सिटी में हुआ है, उस कदर हालात जब देखेंगे तो बीजापुर शहर के अंदर पानी पूरे हर गली गली में, मोहल्लों में, चौराहों पर और यहाँ तक के घरों में तक पानी भर गया। हम सवाल करना चाहते हैं अधिकारियों से और कॉरपोरेटर से कि ये इसकी वजहात क्या हैं, ये क्या वजह है जिसकी वजह से जो है बीजापुर का जो है वर्क इस कदर पेंडिंग रखा गया है, इस कदर जो है रुकाया गया है। जो बारिश को हम लोग खुशी के जरिए जिसका स्वागत करना चाहिए था, हम लोग अफसोस जता रहे हैं कि अब बारिश का ये पानी हमारे घरों में, नालों में और जो है मोहल्लों में भर गया है। मैं कहना चाहता हूं ये बीजापुर के ऐसे हालात होने की वजह से चंद करप्ट कॉरपोरेटर्स और चंद करप्ट ऑफिसर्स, चंद करप्ट पॉलिटिशियंस और एक कम्युनल एमएलए, बीजापुर का एक कम्युनल एमएलए, ये सारे जो है अपनी ड्यूटीज को मुकम्मल तरीके से ना निभाने की वजह से आज आवाम परेशान है। रोड पर पानी बेहिसाब है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्लान नहीं है, जिस कदर 10 सालों से ड्रेनेज वर्क बीजापुर के अंदर चल रहा है अभी भी इनकम्प्लीट है, और सारी जो भी गटर बनाई गई हैं वो कचरे से भर गई हैं, वहां पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहां पे किसी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। यहां तक कि इस बारिश में जब पानी हर मोहल्लों में भर गया, वार्ड नंबर 18 से लेकर लगभग 34 वार्ड तक की मैं बात करूं तो ये पूरा एक बेल्ट ओल्ड सिटी में आता है, यहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है और हर जगह, हर गली और हर घर में पानी यहां पर दिखा सकते हैं आप लोग। हम सारी चीजों का सर्वे किए हैं, आपके सामने पेश करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं, इतना पानी बीजापुर शहर में आने के बाद और घरों घरों में पानी बहने के बाद, मोहल्लों में पानी आने के बाद, कोई ऑफिसर, कोई कॉरपोरेटर अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने वार्ड में अवाम के बीच नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वोट की भीख आप लोगों के घर घर पर आके मांग चुके हैं, वो शख्स आपकी परेशानियों के दौरान अपने घर में 1.5 इंच की ब्लैंकेट ओढ़कर गर्म सो गया है, और ये शख्स इसी वोट के लिए आपके चौकट पर आकर खड़ा हुआ था। हमारा कहना यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने हुकूक को पहचाने, आपने अपने कर्तव्य को अगर करेंगे तो अवाम परेशान नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला बीजापुर के अंदर रोड का है, वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक। कल बीजापुर के अंदर हम लोग, हमारी SDPI की टीम जो है पूरा मुकम्मल बीजापुर सर्वे करे, तो हम मोहल्ले में जब पहुंच रहे तो अवाम हमारे सामने आकर रूबरू होकर हमसे अपने मोहल्ले में होने वाले इस पानी, जमने वाले पानी के ताल्लुक से शिकायतें करें, और यहां तक कि इसका पानी जो है ड्रेनेज की शक्ल, ड्रेनेज से ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में जा रहा है, बच्चे बीमार, लोग, महिलाओं को तकलीफ, और जो है आने जाने वाले रोड पर तकलीफ, स्टूडेंट्स को तकलीफ, स्कूल जाने वाले बच्चों को तकलीफ, ये सारी तकालीफ की जिम्मेदार जो है हमारा कॉरपोरेशन कमिश्नर, कॉरपोरेटर्स और MLA, ये सारे लोग इनके जिम्मेदार हैं। ये लोग अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाने की वजह से ये यहां पर ये हालत पैदा हुई है। और सबसे इससे बढ़कर मैं बात कहूं तो हम लोग इसके ताल्लुक से आपको बताता हूं, कंटिन्यू इस पर हम लोग वर्क पर हैं।
पिछला हम लोग आप डेट दे सकते हैं दिसंबर में हमने इसके ताल्लुक से कमिश्नर से मिलकर ये इस बात का हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया और तात्पुर तक जो है जेसीबी वगैरह भेजकर पानी क्लियर करके आगे कोई काम को अंजाम नहीं दिया गया। उसके बाद में मार्च के अंदर भी हम लोग मुलाकात किए थे, मार्च में भी ये काम को जो है हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, इस पर भी जो है तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद में जो है मई के अंदर भी हम लोग कमिश्नर साहब से भी मिले और ये डीसी साहब को दी गई मनवी है, हम डीसी साहब को भी मनवी देकर आ चुके हैं, लेकिन इतना सब कुछ हम लोग करने के बावजूद भी अधिकारी और जो है जिम्मेदारन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही डेवलपमेंट के ताल्लुक से, ये क्या वजह है। और मैं बताना चाहता हूं कि कमिश्नर साफ अल्फाज में ये बताते हैं हमारे सामने कि कॉरपोरेशन में अभी फंड नहीं है। अरे भाई फंड नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पेमेंट रुकी क्या फंड नहीं आने की वजह से, या फिर कॉरपोरेशन के अंदर अधिकारी जो काम कर रहे हैं क्या उनके पेमेंट रुके, बाकी कौन सा भी काम फंड के रीजन से रुका हुआ नहीं है, सिर्फ ये ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है। और मैं ये भी बात पूछना चाहता हूं कि नोवा का रोड है बस स्टैंड से जो नई रोड की तरफ कनेक्ट होता है, ये नोवा को रोड के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि करोड़ टुगेदर यहां पर जो फंड सैंक्शन हुआ वो भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, याद रखिए आप लोग, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फंड सैंक्शन हुआ, ये हमारे पास बाकायदा पेपर्स के जरिए हम लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन काम इनकम्प्लीट है। और उसके अंदर का डीसी साहब के जरिए, डीसी साहब के अकाउंट के जरिए, डीसी साहब के मातहत जो है स्टार फंक्शन हॉल के सामने का जो रोड है आलमगीर से जो निकलता है चार नंबर स्कूल की तरफ जाके कनेक्ट होता है वो रोड, वो डिग्री कॉलेज को जाता है वो रोड भी जो है वहां पर भी फंड सैंक्शन हुआ डीसी साहब के जरिए, वो काम भी अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये फंड निकल रहा पर काम नहीं हो रहा, ये जा रहा कहां। मैं अभी आपको बताया कि करप्ट कॉरपोरेटर्स, करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट जो है अधिकारी, इनके चलते अवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर चुके, जबकि हमारे सामने फंड की जब रीजन बताई गई तो हम लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने एक सलाह भी ये बात की रखी थी कि अर्बन डेवलपमेंट में आप लोग अपना फंड ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर सकते हैं, जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आप लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट का फंड आप क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर स्वच्छ भारत अभियान का फंड आप लोग क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते, या फिर जल जीवन मिशन का जो है आप फंड यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, समाज कल्याण इलाके का आप लोग फंड यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते। बहुत से जराये हैं, अगर आप चाहें तो फंड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और काम को अंजाम दे सकते हैं। आपकी नीयत में खोट रहने की वजह से ये बीजापुर जो है इतना एक जो है हिस्टोरिकल खूबसूरत प्लेस होने के बावजूद भी आज एक पिछड़े शहरों में गिना जाता है, अनडेवलप्ड सिटी के अंदर बीजापुर शहर गिना जाता है। मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि अब हम लोग इस ताल्लुक से पेपर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। ये पेपर रिपोर्ट जैसे ही हमारे सामने आएगी, ये पेपर रिपोर्ट के जरिए हम लोग कमिश्नर साहब को या फिर सिटी के जो भी जिम्मेदार हैं इनको इनका एक्शन प्लान रिपोर्ट भी इसमें पूछे हुए हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम लोग इसमें पूछे हुए हैं, और जो फंड सैंक्शन हुआ है कॉरपोरेशन को कितना फंड सैंक्शन हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ और बाकी का कहां पर खर्च हुआ और कितना आप लोगों के बैंक अकाउंट में गया, हम लोग ये इसके ताल्लुक से भी आईटीआई के जरिए पूछे हुए हैं। जैसे ही रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी इंशाल्लाह हम सभी अधिकारियों को घेरेंगे, और ये डेवलपमेंट वर्क अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो एसडीपीआई की जानिब से शहर के अवाम को लेकर जो है पूरा शहर बंद करने का हम लोग जो है अभियान चलाएंगे, और साथ ही साथ रास्ते पर रास्ता रोको आंदोलन हम चलाएंगे। ये हमारी तरफ से चेतावनी समझिए, इसे आप हल्के में मत लीजिए, हम आपके कानूनी दायरे के अंदर आपकी नौकरियों को तक हम खसारे में ला सकते हैं। ड्रेनेज का ब्लॉकेज हुआ था जिसके जरिए जो है वहां पर रोड मुकम्मल तरीके से ब्लॉक हो चुका था। हम इमीडिएट जाके कमिश्नर साहब से मिलने के बाद में 2 जेसीबी वहां पर भेजकर ड्रेनेज का पानी जो है फ्लो करने का काम किया गया। उसके बाद में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर टेंडर हो चुका है, अब टेंडर के जरिए जिसे टेंडर हुआ है वो कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर काम करेगा बोलकर हम टेंडर की कॉपी भी मांगे और कॉन्ट्रेक्टर का नंबर भी मांगे, उनसे बात किए, काम शुरू होने वाला है बोलकर यही आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक पूरे 6 महीने मुकम्मल हो गए, अब तक वहां पर काम नहीं हुआ। यही तो हमारा सवाल है कि टेंडर होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि फंड सैंक्शन नहीं हो रहा, हमारे कमिश्नर साहब बताते हैं कि कॉरपोरेशन में फंड नहीं है, तो हमें फंड के जरिए भी हम लोग खुद बता रहे हैं। हम लोग इस बार कमिश्नर साहब से लिखित में मांगेंगे, बाकायदा राइटिंग में ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें देना होगा कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हम खुद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से जाकर मुलाकात करेंगे या फिर हमारे स्टेट के जो भी अधिकारी हैं उनको जो है वहां पर मुलाकात करवा के बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से डिस्कशन जरूर करवाएंगे इंशाल्लाह। नगर सांसद अपने कई भाषणों में कहते हैं कि मैं बीजापुर को स्मार्ट सिटी और ले गया हूँ, स्मार्ट सिटी बनाया हूँ,
देखिए, वैसे तो बीजापुर शहर में बीजापुर शासक का रहना ही बहुत कम है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बीजापुर शासक ने अपने अल्फाज में खास तौर से यह कहा है कि हम लोग उधर के सिटी की तरफ काम नहीं करेंगे, बल्कि इन्होंने साफ अपने अल्फाज में कहा हुआ है। लेकिन ये तो बहुत बेशर्मी वाले जुमले हैं, इसे तो कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारी उम्मीद अधिकारियों से भी थी कि इनके अलावा भी कुछ और लोग जिम्मेदार भी हैं, और साथ ही साथ अभी जो कांग्रेस पार्टी से जो मेयर साहब भी चुनकर आए हुए हैं, इनसे भी हमारी उम्मीद है कि ये भी बीजापुर डेवलपमेंट की तरफ जल्द से जल्द तवज्जो देकर इस पर जो है काम करवाएंगे। क्योंकि आने वाले 4 महीने में जिस कदर बारिश है, और साफ तौर पर डीसी साहब ने इस पर एक बैठक देते हुए कहा था कि इस पर जो है बीजापुर के अंदर इस बार, बीजापुर के अंदर यानी कर्नाटक को, इस बार बहुत जबरदस्त बारिश है, तो इसके चलते सारे बीजापुर के ड्रेनेज को जो है खुला किया जाए, और यहाँ तक के ओल्ड जो खंदक हैं वो खंदक को भी जो है खुला किया जाए बोल के स्टेटमेंट जो है डीसी साहब ने दिया हुआ है, लेकिन उस पर अभी भी वर्क स्टार्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर की जाएंगी तो बीजापुर के अंदर पानी जो है अपने ड्रेनेज में बह जाएगा, लेकिन रोड का मसला जो पेंडिंग है उस पर तवज्जो देना जरूरी है। याद रखिए, कांग्रेस की सरकार है और बीजापुर के जो इंचार्ज मिनिस्टर वो कांग्रेस के हैं, डॉक्टर एमबी पटेल जी, और क्या आप उनसे मिले इस विषय में जाकर? देखिए, जैसे ही सारे लीडर्स जब चुनकर आते हैं तो जो जिस कदर ये लोग वादा किए होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का हो या फिर किसी भी काम को अंजाम देने का हो, उस पर इनकी तवज्जो ही नहीं जाती। यही सबसे बड़ा अफसोस हमारे देश का मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी बदनसीबी है। और दूसरी बात, अवाम भी उनको ये एहसास दिलाने के लिए नहीं निकलती कि आपका काम, आपकी जिम्मेदारी को आप समझें बोलकर। ये सभी, ये एक ही लीडर का नहीं बल्कि सभी लीडरों का यही प्रॉब्लम है कि जैसे इलेक्शन खत्म होता है अगले इलेक्शन की तरफ इनकी तवज्जो जाती है, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं जाती। तो अभी आप क्या ओम से क्या तो कहना चाहते हैं कि अभी तो आपने बताया कि जो कॉर्पोरेटर्स हैं, अधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचार में उनके आरोप कर रहे हैं, तो वो कौन से जो नॉन करप्ट कॉर्पोरेटर को लाना चाहिए? पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक को ये समझना जरूरी है कि आप ईमानदार लोगों को चुने, क्योंकि 500,000 आपके जिंदगी में काम आने वाले नहीं है। आप शायद मिनटों में या लम्हों में उसे खर्च कर देंगे, लेकिन उसके चलते 5 साल आपको जो परेशानियों को झेलना पड़ेगा, ये शायद उससे कई महंगे आपको पड़ेंगे, मैं बताना चाहता हूँ। अभी जहाँ तक बात आती है जेम रोड की, जहाँ पर बड़ी कमान के पास आप देख रहे हैं कि सीसी रोड वहाँ पर नगर शपथ द्वारा बनाया गया था इलेक्शन में, तो वहाँ पर काफी सारा लोग वहाँ पर पानी में बह रहे हैं, इस तरह से वहाँ पर पानी बह रहा है, इसको जिम्मेदार कौन? अगर आप पेपर वर्क में देखेंगे तो ये पूरा हकीम चौक से लेकर अतावला चौक तक सीसी रोड है। पहले तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, इस काम को इनकम्प्लीट किया गया है, बड़ी कमान तक इसे रोका गया है। उसके बाद में जो साइड से जो जिसे नाली पानी जाने के लिए दी गई थी, वो नाली सारे ब्लॉकेज हो गए हैं। ये कॉरपोरेशन को समझना चाहिए था कि अभी बारिश के दिन में यहाँ पर पानी बहेगा तो इसे साफ रखना जरूरी है, तो इसके लिए यहाँ पर कर्मचारियों को या फिर जो भी वहाँ पर लेबर्स वर्क जो लगता है वहाँ पर आकर कर्मचारी लेबर वर्क को अंजाम देना जरूरी था, जिसमें इन्होंने मुकम्मल तरीके से फेलवर रह चुके हैं। और साथ ही साथ मैं अवाम से कहना चाहता हूँ कि ये नाली को आप अपने अपने घरों के सामने साफ रखिए, उस पर कहीं पर भी आप लोग कचरा या फिर कूड़ा लेकर नालियों में मत फेंकिए, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होकर खड़ा हुआ पानी आपको ही परेशान करेगा, आपके ही घरों में आएगा, आपके ही जो है बच्चों को ये नुकसान है। मेयर मोहतरमा जो है हमारे महजबीन साहिबा जो है मेयर बीजापुर शहर की, बीजापुर की डेवलपमेंट की तरफ खास तवज्जो दें, और इसके साथ साथ मैं उस्तवारी सचिव मिनिस्टर को जो भी जो है एक इल्तिजा करता हूं कि वो भी बीजापुर की तरफ तवज्जो दें। और इससे बढ़कर कहूंगा तो मैं हमारे कर्नाटक के सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब से भी मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीजापुर की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।